जैसे मेरी पहली मूवी थी खाकी right. राइट राजकुमार संतोष निर्देशित उसमें भी कमलेश नाम रखा था क्योंकि वो बेस ही महाराष्ट्र का बेस था बचपन से आप ड्रामा में आ, मेरे ख्याल से आप डांस भी करते थे कोली डांस भी हमारे हाँ, हाँ, यहाँ पे विलास पांचाल थे हुँ. वो हमारे सीनियर थे तो वो कुछ ना कुछ बिठाते थे तो मुझे मिमिक्री करने का मिमिक्री करने की आदत थी तब तो मैं मिमिक्री करता था जैसे कोली डांस रामदास पति का बावला अरे वहाँ दिशा नहीं बैठता है वो उसकी वजह से हुआ था विलास पांचल की वजह से तो निशिकांत जी को यह पता था कि कमलेश सावंत क्या दे सकते और क्या नहीं दे, नहीं दे सकते इसीलिए तीन जन शॉर्टलिस्ट में थे फिर भी मुझे रोल मिला तो उसका कारण यही था कि ट्यूनिंग और मैं मेरे लूपोल्स क्या है और मेरे प्लस पॉइंट क्या है ये निशिकांत जी को पता है नमस्कार मैं कमलेश तुकार सावंत और आप मुझे देख रहे ऑन बॉलीवुड हंगामा धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ उर्मिन एंड वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार एक ऐसे एक्टर मौजूद है क्या फेवरेट टाइम पास क्या है स्वामी चिन्मया आनंद जी का सत्संग देखना और फेवरेट दिन दो तो और तीन अक्टूबर प्लीज वेलकम कमलेश सावंत उर्फ इंस्पेक्टर गे <laughs> सर क्या बात है हसताना मतलब पहला बगिथाना इट्स सो नाइस टू सी यू कमलेश सबसे पहले कंग्रेचुलेश आप, आपका इतना बढ़िया काम दृश्यम वन और दृश्यम टू में हमने देखा और इससे पहले भी आपको हमने इतनी फिल्मों में देखा है मैं बताना चाहूंगी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कुछ 11-12 फिल्में हुई है जिसमें मैक्सिमम हाँ,

अतुल कुलकर्णी जी है उनको हम लेके आते हैं जी। तो वो महाराष्ट्र कैरेक्टर दिखाते हैं इसलिए सावंत ही रखते हैं सावंत ज्यादा सावंत बहुत लोगों के होते जैसे सावंत है परब है नाइक है ये ज्यादातर रखते है लोग सावंत नाम रखकर ज्यादा दिखेंगे आपको परब दिखेंगे आपको नाइक दिखेंगे आपको तो नाइक भी पुलिस वाला लगता है ना

नहीं मैं मेरा सपना अपना ऐसा कुछ नहीं था <laughs> तब ऐसा आज का दौर है जी. कि हम पूछते क्या बनोगे बड़े अभी कि उनको अभी तक पता भी नहीं है, जी. अभी जैसे मेरी बच्ची को लेकिन में उनक, फेल हो गई वो कोविड में जैसे कोविड आया था तो मैंने बोला तू तो साइंटिस्ट बनने वाली है पूरे जग पर संकट आ गया तो उससे तुम निवारण करो कुछ तो तुम साइंटिस्ट हो करेक्ट करेक्ट बोला रुक उसने कुछ मिक्स किया

पहले वो था स्कूल में जाना जैसे ये इंटरव्यू हो गया मध्यंतर आ गया चलो भागो यहाँ से हाँ। स्कूल से ये चीजें थी करेक्ट, तो माँ बाप का यही था कि आप सीखो पढ़ो जी तो पहले मेरा ऐसा कुछ एम नहीं था कि भाई मैं ऐसे पुलिस वाला बोलू मुझे पुलिस का कॉल आके भी गया अच्छा, सिपाही का अच्छा, तो मैंने अटेंड भी किया लेकिन तब मेरा स्टेट कंपटीशन का ड्रामा चल रहा था इसके लिए मुझे वो नहीं करना था जी तो बचपन से आप ड्रामा में आ, मेरे ख्याल बारह रूम थे बारह खोली ग्राउंड फ्लोर पे और वहाँ पे सार्वजनिक पूजा होती थी और ये बारह रूम के कॉमन गैलरी जैसे कॉमन संडा उसके सामने गैलरी रहती तो पूजा के पहले दिन हम सब लोग

तो वैसे जैसे एरिया में दूसरे चौल में भी सार्वजनिक पूजा होती थी तो तो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते थे okay. सुपारी मोल के अच्छा, अच्छा, अच्छा. तो वहाँ पे भी हम करते थे तो वो डेयरिंग थी वहां से डेयरिंग आई थी कि भाई किसी के सामने भी परफॉर्म करो डरो मत तो ये देखने के बाद तो मेरे मेरे पिताजी जीतुकार विठल सावंत टीवी सावंत नाम से कहला चुके बहुत फेमस थे बड़े समाज सेवक थे तो वो थोड़े ब्रॉड माइंडेड थे उन्होंने देखा ये बच्चा इधर कुछ तो कर रहा है इसको तो इसकी गति तो इधर ही दिख रही है लेकिन इसको अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए तो दसवीं के बाद मैं दसवीं पास होने के बाद पास मैंने मेंशन किया खास तो दसवीं पास होने के बाद पहले ही टम्बे में पास हो गया हाँ। तो पास होने अभी के बाद इसके लिए भी अभिनंदन ये बड़ा मुश्किल काम है बड़ा मुश्किल काम होता है ऑडिशंस भी नहीं होते ये <laughs> हो जाते तो दसवीं पहली बार पास होने के बाद पहली बार

और वो नाटक 527 नाटक में फर्स्ट आया था स्टेट कंपटीशन में तब तब दिल्ली का नाटक भी उसमें था फर्स्ट टाइम फाइनल में ओके okay. तो हमारा नाम अनमेची मरिया फर्स्ट आया था हमारे हानम्या और गौरी को राष्ट्रीय पदक पदक भी मिला था उसमें तो ये जर्नी शुरू हो गई wow. वहां से. तो वहाँ से प्रशिक्षण मिलना शुरू हो गया पर मुझे लगा ये बेस आपका बड़ा स्ट्रांग रहा है जिसकी वजह से इट हैज हेल्प्ड यू यू नो हां वो चॉल वो माहौल वो पूजा हाँ। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो छह बाय चार के रंगमंच से हाँ हाँ। अब बड़े पर्दे पर हाँ। नजर आना हाँ, हाँ, खाकी फिल्म से आपकी शुरुआत शुरुआत हो, हो गई कैसा था आपका पहला ऑडिशन जब आप गए थे याद है कुछ नहीं उसका थोड़ा सा पीछे आके थोड़ा चलेगा ना तो, जी जी। जैसे मैं हिंदी में, में मेरा इंट्री जो हुआ है वो इसके लिए हुआ जैसे हमारा उसके बाद हम एडिक्ट मुंबई नाम की हमारी संस्था थी उसमें आज सब लोग बड़े हो गए जो एडिक काम कर रहे थे, तो थे सुशांत अच्छा, जो हमारे, मित्र है, हो हमारे एक एरिया में रहते थे वो बचपन से ही सीरियल नाटक बटक में काम करते सीनियर कलाकार है बहुत बहुत दुनियादारी में भी थे वो तो बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की है तो तब वो मुकुल अभ्यंकर जी को असिस्ट करते थे तब गुब्बारे नाम की सीरियल चालू थी अच्छा तो ये मेरे दोस्त थे तो सुशांत शेलर जी ने मुझे फोन किया कि भाई कमलेश गुब्बारे में एक रेलवे पुलिस का रोल है दो ही डायलॉग है तो तू आ जा अच्छा वो पहला रेलवे पुलिस 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 रेलवे रेलवे वो वैसी थी तो बाल <laughs> भी मैं वैसे सोल्जर <laughs> कट काटता था तो वो मैं गया हाँ। रेलवे पुलिस का रोल मैं, मेरे गुरु को असिस्ट भी करता था तो मुझे वो मालूम था कि क्लोज देना है तो कहाँ देना है तो सामने दिलीप प्रभालकर जी देवन वर्मा जी थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लगा था वो नहीं थे शॉट पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू लगाया था तो मैंने दो लुक देखे दो डायलॉग बोले तो मुकुल जी बहुत खुश हो गए

फिर उन्होंने मुझे खाके के लिए बुलाया क्योंकि उनका जी का और राजकुमार संतोषी जी का उन्होंने बोला कि कमलेश जी क्या कर रहे हैं आप खा, खाली है खाली तो खाली, तो, खाली तो खाली है तो आ सकते हैं आप मैं आऊंगा आ जाइए फिर आपको देख के मैंने रोल लिखा है इसके लिए उस रोल का नाम कमलेश सावंत

बड़े सुपरस्टार बच्चन साहब अजय देवगन सर अक्षय कुमार कपूर हाँ। तो तो मिला वैसे लेकिन आप आमतौर तो लोग सल्यूट वगैरह मारते पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे तो नहीं लगता कि सच्ची में पिक्चर भी कर रहे हैं और पुलिस भी संभाल रहे जहां मैं नहीं था मैंने छोटे पे भी नहीं था जी तो नॉर्मली मेरा यही था मेरी और मेरा भी सोल्जर कट बाल काटना हाँ. तो उसकी वजह से लोग सामान्य लोग मुझे देख के बोलते थे आप पुलिस में है क्या जैसे मैं एक्सरसाइज करने व्यायाम तब थी जिम नहीं थी जी 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 तो व्यायामशाला जाता तो आप पुलिस में है क्या बोले नहीं नहीं पुलिस में नहीं तो सोल्जर का बाल काटना और वो शरीर उसकी वजह से लोग बोलते थे oh, okay. और उसी की तरह से मुझे भूमिकाएं मिल रही है तो मेरा आधा काम तो उसमें क्योंकि पहले तो दिखना होता है मेरे गुरु जी. ने मुझे बताया कि फर्स्ट जो पर्दे पे आते हैं छोटे पर्दे पे आते हैं तो पर्सनालिटी दिखती है आपकी और पब्लिक सोचती है पुलिस वाला होगा hmm. पब्लिक सोचिए डॉक्टर होगा सोचती सोचिए वकील होगा निवेदक होगा ये ये होगा

ये भाई ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल तो आप भी ऑब्जर्व करते रहते हैं जब आप आसपास पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं मेरी बहन डीजी ऑफिस में ओके okay. मेरी बहन डीजी ऑफिस में उसके पति जो है वो पुलिस हवलदार थे हाँ। और मेरे ज्यादातर में काला चौकी में, में मेरा जन्म है तो तो काला नाके पे काला चौकी पुलिस स्टेशन तो उधर पुलिस पुलिस कॉलोनी तो ज्यादातर दोस्त भी पुलिस वाले है तो है क्या बात है